हेलो, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल HPGK 53 के इस वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता होगा, हम हर हफ्ते एक वीकली करंट अफेयर की वीडियोस लाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश का ये वीकली करंट अफेयर, जो कि है 4 मार्च से 10 मार्च तक के बीच में। तो आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्ष 2021-22 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 2021-22 के लिए एक बजट पास किया हुआ है। तो इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि वो कितने करोड़ रुपए का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश के किस महिला पुलिस थाने को श्रेष्ठ महिला पुलिस स्टेशन का अवार्ड मिला है। आपके ऑप्शन है कुल्लू, धर्मशाला, शिमला या मंडी। तो देखिए, जो महिला थाना कुल्लू है को हिमाचल प्रदेश के श्रेष्ठ महिला पुलिस स्टेशन का अवार्ड मिला है। राजधानी शिमला में इंटरनेशनल वुमेंस डे पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान कुल्लू को यह इनाम मिला। महिला थाना कुल्लू की स्थापना जो है वो 18 अप्रैल 2016 को हुई थी। और जो हिमाचल का प्रथम महिला पुलिस थाना था वो खुला था BCS शिमला में 2014 में। ठीक है, और जो इंटरनेशनल वुमेंस डे में इस साल की जो थीम थी वो है वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग इन इक्वल फ्यूचर इन ए COVID-19 वर्ल्ड। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कुल्लू। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का एकमात्र कुंभ अनुसंधान केंद्र हिमाचल के किस स्थान में चलाया जा रहा है। कुंभ, ठीक है, तो ऑप्शन है किन्नौर, मनाली, रोहडू या सोलन। तो जैसा कि आपको पता होगा, मशरूम सिटी के नाम से प्रसिद्ध हिमाचल के सोलन ज़िले में भारत का एकमात्र कुंभ अनुसंधान केंद्र जो है वो चलाया जा रहा है। अभी हाल ही में स्टैमिना और इम्यूनिटी समेत रेस्पिरेटरी सिस्टम पर काम करने वाली कॉर्डियोस्पेस मिलिटेयर्स मशरूम को यहाँ वैज्ञानिकों ने लैब में तैयार किया गया है, जो कि इम्यूनिटी के लिए बहुत ही लाभदायक है। ठीक है, तो औषधीय गुणों से भरपूर इस मशरूम के दाम जो है वो सोलन में 1 लाख रुपए प्रति किलो तक रखे गए हैं। तो और ये है ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित स्नो फेस्टिवल के अंतर्गत संपन्न योर उत्सव प्रदेश के किस जिले में मनाया गया। हमारे ऑप्शन है चंबा, लाहौल स्पीति, मंडी या किन्नौर। देखिए, अभी हाल ही में जिला लाहौल स्पीति में जो है वो ये स्नो फेस्टिवल जो है वो मनाया जा रहा है। ये देश का दूसरा सबसे लंबा स्नो फेस्टिवल है। इसके अंतर्गत त्रिलोकनाथ योर उत्सव जो है वो संपन्न हुआ। त्रिलोकनाथ योर उत्सव में लगभग 8 फुट ऊंचा बर्फ का शिवलिंग बनाया गया था और पारंपरिक रूप से इसकी पूजा अर्चना की गई। जो ये 3 दिवसीय योर उत्सव है, ये वाम तट पर बसे सभी गाँववासी जो है वो सर्दियों में इनके द्वारा जो मनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लाहौल स्पीति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए, हाल ही में जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 2021-22 के लिए बजट घोषित किया, तो उसमें उन्होंने जो है वो 12 नई योजनाएँ जो है वो शुरू करने की बात कही है। ठीक है, जिसमें से एक है स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना। तो इस जो योजना के अंतर्गत 65 से जो 69 की एज तक की जो वरिष्ठ महिलाएं हैं उनको 1000 रुपये प्रति माह सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जाएगी और इस पर लगभग 55 करोड़ जो है रुपये जो हैं वो सरकार द्वारा व्यय किए जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वरिष्ठ महिलाओं की सुरक्षा पेंशन से। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 1991 में ब्रॉडगेज रेलवे लाइन उन्ना से दिल्ली बरेली के लिए निम्नलिखित में से किस ट्रेन को शुरू किया गया था। तो वर्ष 1991 में ब्रॉडगेज रेलवे लाइन उन्ना से दिल्ली बरेली के लिए एक ट्रेन का शुभारंभ किया गया था, जिसका नाम था हिमाचल एक्सप्रेस। तो पिछले वर्ष मार्च में यह बंद हो गई थी। इसकी जो सेवा जो है वो अभी बहाल कर दी गई है। यह रात्रि एक्सप्रेस बहुत ही फेमस है और काफ़ी इसमें यात्री जो है वो सफ़र करते हैं। ठीक है, और जो ये एक इंटरसिटी एक्सप्रेस है, यह जो है ये नामक ट्रेन जो है ये दौलतपुर चौक से जयपुर के लिए चलती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 इज़ रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स है जो 2020 का, ये किसके द्वारा रिलीज किया गया है।
तो देखिए 4 मार्च 2011 को को। जो मिनिस्ट्री है, हाउस एंड अर्बन अफेयर्स के जो मिनिस्टर्स हैं, और हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 की अंतिम रैंकिंग जारी की है। मिलियन प्लस की श्रेणी में बेंगलोर शीर्ष पर है, और उसके बाद पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, और जो मिलियन से कम श्रेणी में है उसमें हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये अभी हमने देखे हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ वीकली करंट अफेयर। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करें। आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, और इस वीडियो की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अभी के लिए धन्यवाद।